अयोध्या में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के समापन अवसर पर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां दर्शन पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधे रामलला के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री उस स्थान को देखने गए जहां रामलला का भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने चले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ मौजूद रहे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बताया कि सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय मिलने की प्रार्थना की है और उनका आशीर्वाद लेते हुए कहा कि अब मैं आपके साथ आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करने आपकी आज्ञा लेकर जा रहा हूँ, 2022 में हमारी विजय हो। कलयुग के राजा कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसा रे। हनुमान जी महाराज राजा हैं और आज उत्तर प्रदेश के राजा यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हनुमान जी महाराज का मत्था टेका और आरती किया और विनती किया कि 2022 जो राम काज के लिए भारतीय जनता पार्टी की जन्म हुई है, राम जन्मभूमि भव्य दिव्य कैसे निर्माण हो सके, किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। हे हनुमान जी महाराज, आपके आराध्य हैं राम जी और आपसे अनुमति लेकर और राम जी के पास जा रहे हैं। इसके नाते उन्होंने कहा कि 2022 की किला फतेह, यहीं से शुरुआत उन्होंने किया हनुमान जी महाराज के दरबार से विजय अभियान का शुरुआत और 2022 में चुनाव में विजय हो, ऐसा उन्होंने हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद मांगा।